हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया हमारा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्ट है क्वेश्चन है हमारा ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर की पावर एन इक्वल ए की पावर एन कोस थीटा अंडर ए फोर्स एफ टू बी द पोल फाइंड द लॉ ऑफ द फोर्स हमें हमें इसका फोर्स फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले गिवन कर्व लिख देते हैं तो गिवन कर्व है हमारी आर की पावर एन इक्वल ए की पावर एन और कॉस एंड थीटा ये हमारी गिवन कर्व है यहाँ पर पुट करना है हमें पुट आर इक्वल बन अपोन यू आर इक्वल बन यू पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी बन अपोन यू की पावर एन इक्वल ए की पावर एन और कॉस एन थीटा अब बन अपोन यू की पावर एन की मल्टीप्लाई दूसरी साइड कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी बन इक्वल ए की पावर एन और यू की पावर एन और कोस एन थीटा अब लॉग ले लेंगे टैकिंग लॉग लॉग ले लेते हैं हम बहुत साइड तो इक्वेशन हो जाएगी इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको इधर तो ये हो जाएगी इक्वेशन लॉग की प्रॉपर्टी से गए लॉग ए प्लस एन आगे लॉग यू और प्लस लॉग कॉस एन थीटा और इक्वल लॉग बन ये हमारी इक्वेशन होगी अब इसका डिफेंसल कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो डिफेंसल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसको शॉर्ट में लिख दिया है हमने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो इसका डिफेंसल करेंगे लॉग ई का तो जीरो हो जाएगा और इसका करेंगे तो एन लॉग यू का हो जाएगा वन अपॉन यू और यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी फिर इसका करते हैं माइनस आएगा देखते हैं अभी माइनस आता है प्लस लॉग कॉस्ट थीटा का करेंगे तो हो जाएगा बन कॉस कोस थीटा और थीटा का करेंगे माइनस के साइन एन, थीटा और एन, थीटा में एन बाहर आ जाएगा इक्वल लॉग लॉग वन का जीरो ठीक है अब ये इधर हम दूसरी साइड पहुंचा देते हैं वैसे एन से एन कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके अब इसको दूसरी साइड पहुँचाते हैं तो इक्वेशन है हमारी बन अपोन यू डी यू अपोन थीटा इक्वल साइन एन थीटा अपोन कोस एनथीटा ये हो जाएगा एन टू में तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी डी यू अपोन डी थीटा इक्वल यू और ये साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा हमारा टेन थीटा टेन एन थीटा अब इसका अगेन डिफेंसिल कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन डिफेंसल विथ रिस्पेक्ट टू थीठा के रिस्पेक्ट में अगे एन डिफेंसल करते हैं इसका तो इसका डिफेंसल हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ऐसा कैसे ही सेकेंड का डिफेंसल करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एनथीठा और एन थीटा का करेंगे तो एन आ जाएगा हमारा बाहर प्लस अब हमारा टेन ऐसे कैसे टेन एनथीठा ऐसे कैसे ही और यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएंगे हमारी डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल यू एन स्क्वायर सेक्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू है यू टेन थीटा और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा इसवल क्यू एन सेवायर एंठीटा सेक्स स्क्वायर एंठीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा यू टेन स्क्वायर एनथीटा ये हमारी इक्वेशन हो गई है हम डिफेंशल इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑर्बिट की पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं वी नो दैट हम जानते हैं वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल होता है हमारा एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है इसमें हम इसमें हम डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस यू टेन स्क्वायर थीटा और प्लस यू ऐसा कैसे इक्वल एफ़ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम यू कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी यू एन सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से यू कॉमन लिया तो इक्वेशन होगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन और इक्वल है हमारा एफ़ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर ये क्या का फॉर्मूला हो गया हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया तो अब तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया तो इक्वेशन अब हमारी हो गई यू एन यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा और प्लस यू सेक स्क्वायर एन थीटा इक्वल एफ इक्वल एच स्क्वायर यू स्क्वायर यह हमारी इक्वेशन होगी है अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो इसमें से क्या है यू सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी यू और सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो बचा हमारे पास एन प्लस वन एन प्लस वन बचा और इक्वल है हमारा एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी सैक स्क्र की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं कर्ब दिया था हमें आर की पावर एन इक्वल ए की पावर एन कॉस थीटा एक बार लिख लेते हैं तो इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगी आर की पावर एन इक्वल ए की पावर एन और ये हो जाएगा हमारा सैक एन थीटा और सैक एन थीटा यहाँ पर आर आर की पावर एन अपन में तो हमारी सेक एन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकली ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन वो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी यू यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन की होल स्क्वायर क्योंकि वह सैक थीटा की वैल्यू थी और यहाँ चल गया एन प्लस वन इक्वल एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इसको और सिंप्लीफाई करके कर ले देते हैं ये इधर इंटू में पहुंचा देते हैं तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकलेगी एफ़ ये इसके इंटू में जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर यू की पावर थ्री हो जाएगा और ए की पावर एन अपोन आर की पावर एन का होल स्क्वायर और एन प्लस वन एज इट इज़ अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल एफ़ इक्वल हो जाएगा हमारा ये हमने क्या लेट किया था आर इक्वल बनापोन यू पुट करा था तो यानी कि यू को हम बन अपोन आर लिख सकते हैं यहाँ से आर की पावर जितनी भी है उतनी चढ़ा देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ इक्वल और यू को हम बन अपोन आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच की पावर टू और ये आ जाएगा एन प्लस वन आगे और इसकी पावर भी खोल देते हैं ये पहले लिख देते हैं आर की पावर थ्री इसको इंटू में ए की पावर टू एन अपॉन आर की पावर टू एन और सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ़ इक्वल हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर एच स्क्वायर एन प्लस वन और ए की पावर टू एन अपॉन में हो जाएगा हमारा आर की पावर टू एन प्लस थ्री तो यहाँ से अगर इसको हम कांस्टेंट मान ले तो एफ़ की वैल्यू निकलेगी यहाँ से एफ परपोशनल टू वन अपॉन आर की पावर टू एन प्लस थ्री यही हमें फ़ाइंड करना था तो कैसा लगा गाइस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना